दोस्तों, कुंडली भाग्य सीरियल को तो आप जानते ही होंगे। तो आज के एपिसोड में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और क्या आगे होने वाला है, हम चर्चा करते हैं आपसे। तो आज के एपिसोड की शुरुआत होती है माही और पालकी के द्वारा, यानी कि माही पालकी से पूछती है कि क्या वह राजवीर से बात कर सकती है। पालकी सहमत है। माही कहती है कि आप तुरंत सहमत हो गए और अगर मैंने शौर्य का नाम नहीं लिया होता तो क्या होगा। पालकी माही से शौर्य का नाम भी नहीं लेने के लिए कहती है और कहती है कि वह बहुत बुरा है। माही का कहना है कि शौर्य ने उसके साथ किए गए कृत्य से अपना कुछ सम्मान खो दिया। पालकी कहती है कि आप शौर्य को नायक के रूप में सोच रहे हैं लेकिन वास्तव में वह खलनायक है। माही राजवीर और शौर्य की तुलना करती है। पालकी पूछती है कि क्या वह वास्तव में राजवीर को पसंद करती है। माही कहती है कि वह भ्रमित है। पालकी उसे अपना समय बर्बाद न करने के लिए कहती है। वह अपनी माँ की मदद करने जाती है। राजवीर गुरुप्रीत से कहता है कि शौर्य ने पालकी के साथ जो किया उसे देखने के बाद वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सका, इसीलिए उसने उसे उजागर किया। लेकिन माही भी सही थी और मैं शौर्य को सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं कर सकता। गुरुप्रीत का कहना है कि राजवीर ने पालकी के लिए जो कुछ भी किया वह सही था। वह कहते हैं कि वह उनके घर का हीरा है और हीरो भी है और उसे सभी का ख्याल रखने के लिए कहता है। राजवीर का कहना है कि वह सभी का ख्याल रखने की कोशिश करेंगे और किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे। राजवीर सहमत है। वह उसे हमेशा मुस्कुराने के लिए कहती है और उसके लिए खाना लेने जाती है। राजवीर खिड़की के पास खड़ा होता है, प्रीता की बातों के बारे में सोचता है। शौर्य शराब पीता है और राजवीर के साथ अपनी हर मुलाकात को याद करता है और कैसे उसने उसके सबके सामने उजागर किया। शौर्य बोतल तोड़ देता है। निधि वहाँ आती है और शौर्य से पूछती है कि वह क्या कर रहा है। शौर्य कहता है कि मैं राजवीर को पीड़ित कर दूंगा। निधा उसे राजवीर को दूर रहने की सलाह देती है क्योंकि उसने हमेशा उसे स्थिति में खलनायक बना दिया है। शौर्य कहता है कि वह राजवीर को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वह उससे बदला नहीं लेता। निधि उसे धीरे धीरे बात करने के लिए कहती है क्योंकि यह अच्छा नहीं होगा यदि उसके पिता उसकी योजनाओं को जान लें। शौर्य उसे अकेला छोड़ने के लिए कहता है। निधि निकल जाती है। शौर्य ने राजवीर की ज़िंदगी बर्बाद करने का फैसला किया। अगले दिन करण और ऋषभ ऑफिस के काम में व्यस्त हैं। रेखा उन्हें ताना मारती है और कहती है कि वे अपने घर को ऑफिस में न बदलें। ऋषभ और करण उससे माफ़ी मांगते हैं। रेखा उन्हें याद दिलाती है कि काफ़ी समय हो गया है जब उन्होंने साथ में डिनर किया था। चेरी वहाँ आती है। ऋषभ ने उसे ताना मारा। रेखा उसे रोकती हुई दिखाई देती है और चेरी को ऋषभ को घर भेजती है। ऋषभ का कहना है कि चेरी शौर्य को शराब खराब कर रही है। करण कहते हैं कि दूसरों को दोष देना गलत है। वह राजवीर और शौर्य के गुणों और पतियों की तुलना करता है। रेखा पूछती है कि शौर्य को राजवीर कैसे बनाया जाए। ऋषभ का कहना है कि शौर्य को सिर्फ मार्गदर्शन की ज़रूरत है और उसे किसी और तरह बदलने की ज़रूरत नहीं है। रेखा आंसू से कहती है कि हर कोई राजवीर से प्रभावित होता है और मैं उससे मिलना चाहती हूँ। ऋषभ उसे दिलासा देता है और कहता है कि उनका शौर्य जल्द ही बदल जाएगा। गुरुप्रीत राजवीर को उसके कमरे से बाहर आते देखता है। वह पूछती है कि क्या वह ऑफिस के लिए तैयार है। राजवीर सहमत है। गुरुप्रीत उसे बैठने के लिए कहता है और कहता है कि उसके लिए चाय बनाएंगे। प्रीता ने देखा कि राजवीर उदास है। प्रीता उसे सांत्वना देती है और कहती है कि वह उससे कितना प्यार करती है। राजवीर के आंसू निकल आते हैं। प्रीता उसे चिढ़ाती है और पूछती है कि वह उसे सलाह देने के लिए पालकी को बुला सकती है। राजवीर मुस्कुराया। प्रीता कहती है कि यह अच्छा है और उसे फिर कभी न रोने के लिए कहती है। राजवीर उनका आशीर्वाद लेता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। हम आपको ऐसे ही नए अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।